जंग का ऐलान किया तो दो दिनों के भीतर ही यूक्रेन के शहर शहर की तस्वीर बदल डाली। हर ओर तबाही का मंजर दिखने लगा। हर ओर बर्बादी के निशान नजर आने लगे। और बर्बादी की इन तस्वीरों के बीच जिंदगी बचाने की भी एक अलग जंग छिड़ गई। रूसी सेना जिस तरह यूक्रेन में बम बारूद बरसा रही है, हर किसी की जान पर संकट बना हुआ है। इसमें हिंदुस्तान के वो छात्र भी हैं जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे और अब युद्ध के बीच उन्हें बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं, जहां मेट्रो स्टेशन को शेल्टर होम बनाया गया है। बम धमाकों का शोर इस शेल्टर होम तक सुनाई दे रहा है, लिहाजा यहां फंसे भारतीय छात्र हर पल खौफ के साए में हैं। इस टाइम ते खार्किव तो लाइव बोल रही हूं। तो जिदा कि तुम देख सकते हो, इतने सारे बच्चों की कंडीशन बहुत ही बुरी तरह है। ना बच्चा को बेचारे को ब्लैंकेट ने, उत्तों इन्नी ठंड है, कोई इतने हीटर की सप्लाई नहीं हैगी। इस टाइम तो खार्किव इन्ना को खतरा मंडरा रहा है कि बाहर सारी बॉम्ब शेलिंग हो रही है, तो सारे बच्चे डरे सहमे एक दूजे के नाल बैठे हुए ने सारे डर के। तो मैं एको ही भारत सरकार को बेनती करना चाहूँगी कि सानू जल्द तो जल्द भारत बुला लिया जाए। डर इस बात का है कि न जाने कब कौन सा बम सब कुछ तबाह कर दे। छात्रों के सामने जान की सुरक्षा के साथ साथ खाने पीने की भी समस्याएं हैं, क्योंकि शेल्टर होम में खाना पानी भी खत्म हो रहा है। कम से कम 50 से 60 इंडियंस हैं हम, जो है सारे एक साथ हैं हॉस्टल में, और अभी हम पास में पानी लेने आए हुए हैं कि हम एक स्टोर रख सके। अगर कुछ भी दिन कुछ भी होता है आजकल में, तो हम कम से कम इतना रख सके कि हमारे पास सब कुछ रहे। सिर्फ खार्किव ही नहीं, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो अपने परिवार से बातचीत में वहां के हालात बयां कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी बोला आज का दिन सबसे ज्यादा वर्स्ट होने वाला है, भयानक होने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि यहां पे और ज्यादा हालत खराब हो, इससे पहले सरकार हमें निकाले। इन छात्रों के परिवार वाले भी डरे हुए हैं। पूरे परिवार बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कराया जाए। बंकर में है वो, हाँ, बाहर शेलिंग हो रही है जी, तो बम्बार्डमेंट हो रही है। करे पापा, बहुत जोर से आवाज आ रही है बाहर से। बस उनको तो एक रिक्वेस्ट है कि पापा किसी भी तरह से आप हमें को बचाए। सारे बच्चे हैं, लगभग 9-10 बच्चे हैं जो उन्हीं के साथ के एक ही ग्रुप के हैं। उधर केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन छात्रों को रोमानिया के रास्ते वापस लाने की योजना है। सरकार की कोशिश है कि जल्द ही यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाए और उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के संकट से बचाया जा सके। कीव से मारिया पासारेंको के साथ गौरव सावंत और राजेश पवार, मारियुपोल, यूक्रेन आज तक।